हे गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सोल जो आ रही होती है तो सामने से उसका संजय से सामना हो जाता है, तो फौरन से संजय को देखकर खुश हो जाती है और संजय से पूछे लगता है कि क्या तुम क्लास लेने के लिए जा रही हो, तो वो बताते है कि नहीं क्लास लेने के लिए नहीं जा रही क्योंकि क्लास कैंसिल हो गई है। अगर ये लोग पहले बता देते कि क्लास कैंसिल होने वाली है तो मुझे इतनी मोटी मोटी बुक्स उठाकर ना आना पड़ता। तो संजय से कहते हैं कि लाओ मैं बुक्स पकड़ लेता हूं, उसकी मोटी मोटी बुक्स को पकड़ लेता है और सोल के साथ ही उसके घर पर आ गया था। सोल जब घर पर आती है तो देखते है कि कोई भी घर पर नहीं, आवाज दे देकर बुला रही होती कि कोई तो आगे से उसकी आवाज कान से दे देगा, पर घर पर तो कोई भी नहीं था। और संजय अच्छे से सोल के घर के गेट को चेक कर रहा होता है कि ये ठीक से लॉक होता है या नहीं होता। अब जैसे इसके बाद संजय अंदर आता है तो अब सोल देख रही होती है कि हम दोनों तो घर पर अकेले हैं और फौरन से अपनी बुक्स पकड़ कर कहती है कि मैं इसको अपने रूम में रख देती हूँ। तो संजय कहता है कि मैं भी तुम्हारे रूम को देखना चाहता हूँ, ये कहकर उसके साथ जाने लगता है। पर सोल उसको रोक रही होती है, उसे पता था कि मेरा रूम गंदा होगा इसीलिए फौरन से कपड़े गिरे हुए उठाने लगती है। पर संजय को इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो बस उसकी का ध्यान रख रहा होता है कि हर तरफ की चीजें लॉक होती है या नहीं होती। पर जब उसके रूम की विंडो को देखता है तो वो ठीक से लॉक नहीं होती, तो कहने लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तो सोल उसे पूछे लगती है कि तुम क्या कह रहे हो, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। और उसे पूछे लगता है कि तुमने जो अपने पास चीजें वगैरह रखी हुई थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ पर है। तो वो उसे इलेक्ट्रिक वाली चीज का पूछा होता है तो वो फौरन से निकाल कर दिखाने लगती है कि तुम इसकी बात कर रहे हो। तो संजय पकड़ कर देखने भी लगता है कि ये तो चल भी रही है तो अच्छी बात है, और कहने लगता है कि रात में सोते वक्त तुम इसको अपने पास रखकर सोया करो ताकि अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम्हें ये फौरन से मिल जाए। और बाकी ड्रॉयर में और भी चीजों को देखने लगता है। अब सोल को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर संजय को बस उसकी एक ही फिक्र होती है कि वो पर्सन वापस से ना आ जाए और सोल को नुकसान ना पहुंचा दे जिसके बारे में सोल बात कर रही थी। तो सोल उसे पूछे लगती है कि तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो संजय कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को कोई ले जाए। ये सुनकर तो सोल खुश हो जाती है, कहने लगते है कि तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को कौन ही लेकर जाएगा और मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस तरह की बातें कर लेते हो। अब संजय उसकी बात सुनकर उसे जब देखने लगता है उससे आगे कोई बात करने लगता है, वैसे ही बाहर से ग्लास गिरने की आवाज आती है जिसे सुनते ही दोनों चुकन्ने हो जाते हैं कि कोई ना कोई तो है घर पर। और पता लगता है कि वो तो ग्योम और लीहोन थे जो दोनों घर पर आए हुए थे, पर सोल को देखकर छुप गए थे कि ये घर पर क्या कर रही है। तो ग्योम उसे कहने लगता है कि तुमने तो बोला था कि सोल की क्लास होने वाली है तो वो क्लास ले रही होगी, तो वो घर पर इस टाइम पर क्या कर रही है। तो वो कहते है कि उसकी तो क्लास होने वाली थी, क्या पता क्लास कैंसिल हो गई इसी वजह से वो घर पर है। तो ग्योम उसे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जरा बाहर जाकर सब चेक करके आता हूँ। ये कहकर जब जाने लगता है तो लीहोन के बाल उसके बटन में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। और भी कहने लगता है कि हमें मिलकर ही कुछ करना होगा। और इधर संजय जो बाहर तो जाने लगता है पर सोल से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, भाई खतरा हो सकता है। ये कहकर खुद अकेला ही बाहर जाने लगता है और सोल फिर भी उसके पीछे आ जाते जिसके लगते ही संजय डर जाता है, तो सॉरी करते हुए उसके साथ देखने लगते है तो उसे ग्लास टूटा हुआ नजर आ जाता है। अब दोनों ही जिस घर के एरिया में जा रहे होते हैं वहीं से ग्योम और लीहोन आगे आगे भाग रहे होते हैं और उनकी हर जगह पर जाने से आवाज आ रही होती है, तो संजय और सोल भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। एक दफा तो वो एक चटाई के नीचे छुप जाते हैं जहाँ से संजय ने नहीं देख पाता। अब उनके जाने के बाद ये फौरन वहाँ से निकल आते और दूसरी जगह पर छुपने के लिए जाते हैं जो अलमीरा होती है और उसके अंदर उसका हाथ भी आ जाता है। बेचारा चीख मारते हुए भी अंदर छुप गया था और संजय ने भी उसकी आवाज सुन ली थी, इसलिए दोनों वहीं पर आ जाते हैं उसी रूम में जहाँ पर वो दोनों छुपे हुए थे। सोल ने भी इलेक्ट्रिक वाला पकड़ा हुआ था और दोनों हिम्मत करके अलमीरा की एक साइड ओपन करते हैं तो उसमें कोई भी नहीं होता, बस कपड़े होते हैं। अब जब दूसरी साइड की बारी आती है तो संजय से कहता है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है तो मैं बाहर जाकर पुलिस को कॉल करनी चाहिए। ये कहकर वो सोल को वहाँ से बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद डोर भी क्लोज कर देता है और जैसे ही अलमीरा ओपन करने लगता है तो दूसरी तरफ से उन दोनों ने भी डोर का पकड़ा हुआ था और ओपन नहीं करने दे रहे होते। संजय भी सारी जान लगा के ओपन कर देता और जैसे ही ओपन करता है तो ग्योम बाहर आ जाता है। ग्योम के बाहर आते वो उसे मारने वाला होता है, वैसे ग्योम का फेस देखकर रुक जाता है, पर सोल दूसरी साइड से आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाने वाली होती और संजय तो उसे रोकना चाह रहा था, पर एक सेकंड में क्या ही हो सकता था, वो उसका इलेक्ट्रिक शॉक लगा देती और ग्योम वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर फौरन से लीहोन भी अंदर से बाहर आ जाती और आकर ग्योम के पास रोने लग जाती है और गुस्से से सोल को देख रही होती है, जबकि सोल इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती और संजय उसकी गुस्से को ठंडा कर रहा होता है। सोल जब ग्योम को गुस्से से बोने लगती है तो वह कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं, तुम भी तो अकेली थी ना इसके साथ, अगर हम दोनों आगे तो क्या हुआ। तो कहने लगती है कि मैं इस चीज की बात नहीं करी, तुमने मेरे कपड़े इसे क्यों पहनाए। अब ये बात सुनकर लीहोन कहने लगती है कि एक मसला हो गया था इसी वजह से मुझे आकर तुम्हारे कपड़ों को पहनना पड़ा। तो फिर सोल ग्योम से कहने लगती है कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों फंसाया, जबकि लीहोन इसकी जगह पर बोलते हुए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी थी, तुम्हारा भाई मेरे पीछे नहीं पड़ा था, वह हर चीज में बस ग्योम का ही साथ देरी होती है। और सोल को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहने लगती है कि तुम अब बाहर नहीं हो जो इसका हर चीज में साथ दे रही हो। ग्योम कहने लगता है कि अगर तुम हम दोनों को डेट करने देते हो तो मैं भी तुम दोनों को डेट करने की परमिशन दे देता हूँ। तो संजय कहने लगता है कि इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे से ब्रेकअप करने नहीं वाले हैं। सोल भी इस चीज के लिए हाँ कह रही होती, तो ग्योम कहने लगता है कि तुम मेरे आगे से कैसे बोल सकते हो और तुम दोनों
यहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे? तो वह कहता है कि मैं तो इसके साथ इसकी बुक्स पकड़ कर आया था क्योंकि बुक ज्यादा भारी थी। तो वह कहता है कि तुम्हारा कोई और भी तो मोटिव हो सकता है, तुम तो बैग में पता नहीं क्या क्या लेकर फिरते हो। तो सोंजे कहने लगता है कि मैंने बताया भी था कि वो चीज मेरी नहीं थी। तो सोल जब थोड़ी रूढ़ तरीके से ग्योम से बात करती है तो लियोन कहने लगते है कि तुम्हें इस तरह अपने भाई से बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। यह सुनकर तो सोल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ग्योम कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ लियोन को ही मेरी फिक्र है, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरा कितना साथ देती हो। अब फिर से इनका लवी डवी वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर तो सोल कहने लगते है कि लगता है तुम्हें पहले वाला शौक कम लगा था, मैं तुम्हें दूसरा शौक लगाती हूँ। ये कहकर उसकी तरफ खड़ी होती है तो सोंजे उसे पकड़ लेता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और लियोन तो ग्योम के सामने आ जाती है तो उसे कह रही होती है कि तुम उसके सामने क्यों आई और हाथ में ये सेब क्यों पकड़ा हुआ है। तो वह कहती है कि तुम्हें मारने के लिए अगर तुम ग्योम के पास आई तो। अब गुस्से में सोल बैठी होती है और सोंजे उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर आया हुआ था और कहने लगता है कि तुम्हें उन दोनों के साथ होने का ज्यादा गुस्सा है, अगर तुम इतने गुस्से में हो तो तुम्हें उन दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए। पर सोल को अपने फ्यूचर वाली वही बात याद आती है जब ग्योम और लियोन दोनों साथ में होते, उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी और एक न्यू बॉर्न बेबी भी हो चुका था। पर ग्योम अपने न्यू बच्चे को भी देखकर यही कह रहा होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ चीजें खोनी पड़ती, और लियोन ने भी यही बात बोली थी कि अगर मुझे वापस से भी अपनी किस्मत को चेंज करने का मौका मिलता है तो मैं कभी भी अपनी किस्मत को चेंज नहीं करूंगी, मैं वापस से ग्योम से ही शादी करूंगी। अगर मैं ग्योम से शादी नहीं करती हूँ तो मुझे इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे देखने का मौका कैसे मिलेगा। सोल इन्हीं बातों को याद करते हुए कहने लगती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। तो सोंजे कहने लगता है कि कभी कभी आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते चाहे आप चाह भी रहे हो। तो सोल उससे पूछने लगती है कि ऑडिशन और कॉन्ट्रैक्ट का क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कब जा रहे हो। तो सोंजे बताता है कि इन हॉक तो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा, पता नहीं वो कहां पर है, ना ही बता रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कब जाएं। तो सोल कहने लगती है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पर सोंजे अपने दिल में कहने लगता है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है बल्कि अपनी फिक्र करो। उसको बस वही बात याद आ रही होती है जो उसने डिटेक्टिव किम से बोला था कि 10 मई को आपने यहीं पर आना है। अब उसे यही फिक्र हो रही होती है कि 10 मई को क्या होने वाला है। वो सोल से इस बारे में पूछना भी चाह रहा होता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सोल से इस बात के बारे में पूछे। और घर आने के बाद भी उसे सोल की फिक्र हो रही होती और मोबाइल पर डेट देखता है कि आज क्या है तो 4 मई होती और 10 मई में अभी काफी दिन बाकी होते हैं। वैसे ही नेक्स्ट डे सोंजे सोल के साथ इनहॉक के पास बात करने के लिए आ जाता है उसके स्टूडियो में, पर वहाँ पर कपड़े वगैरह हैंग हुए हुए थे। ये देखकर आगे चलने लगते है क्योंकि बहुत ही ज्यादा खामोशी होती है तो एक पर्सन सोफे पर सोया हुआ था। ये सोचकर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है कि इनहॉक होगा, पर आगे से तो किमताई होता है। किमताई को देखकर पूछे लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब किमताई उठने के बाद पहले हेलो करता है, फिर कहने लगता है कि इनहॉक इस जगह को रेंट पर दे रहा था तो मैंने सोचा कि मैं रेंट पर ले लूं और इसको अब मैं अपने ऑफिस की तरह यूज कर रहा हूं। तो सोंजे उससे पूछता है कि इनहॉक कहाँ पर है, तो उसे कहता है कि क्या तुम्हें उसकी वीडियो के बारे में नहीं पता। सोंजे को तो कुछ भी पता नहीं होता, तो किमताई बताने लगता है कि एक वीडियो उसकी बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है जिसमें वो सिंगिंग तो कर रहा होता है पर उसकी आवाज़ खराब हो जाती और उसी वीडियो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और इसी वजह से वो यहाँ से चला गया। पर तुम्हें तो अपनी डेटिंग से फुर्सत हो तो पता होना कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर और क्या हो रहा है उसके साथ। तुम्हें तो अपने दोस्त की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम्हारी फ्रेंडशिप कहाँ पर गई। तो सोंजे उसे कहने लगता है कि वो अपने होम टाउन वापस क्या होगा, तो उसका होम टाउन कहाँ पर है। तो किमताई कहने लगता है कि वो तो तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा। पर सोल कहने लगती है कि मुझे पता है, फैन क्लब की मेंबर होकर तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ तक कि मुझे तो उसकी छत का कलर भी याद है कि कौन से कलर का है। किमताई उसे कहने लगता है कि फैन क्लब, पर सोंजे कहता है कि चलो फिर चलते है ना जहाँ पर भी हमने जाना है। पर सोल सोचने लगते है कि हमें बस से जाना चाहिए या ट्रेन से जाना चाहिए। वैसे किमताई अपनी न्यू कार ले आता है और अपनी न्यू कार उन्हें दिखाते हुए मिलवाने लगता है कि इसका नेम सनी है। तो सोल उसकी इमेचोर वाली हरकतें देखकर कहने लगते है कि तुम्हें अपने पैसों से पहले घर लेना चाहिए था, तुमने ये कार क्यों ली, मुझे तो लगा था कि तुम बदल जाओगे पर तुम कभी भी बदल नहीं सकते हो। पर वो तो अपनी कार की कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है। वैसे हमें सोंजे के डैड दिखा जाते हैं जो नहा रहे होते, उन्होंने सर पर शैम्पू भी लगा लिया था पर जैसे ही सर धोने लगते है तो पानी खत्म हो गया था। पास वाले टब से पानी लेने लगते है पर उसमें भी पानी नहीं होता, तो सोचने लगते है कि घर का जो पीने वाला पानी होता है उसी से जाकर सर धो लेता हूँ। यही सोचकर जब बाहर जाने लगते है तो पता लगता है कि वो तो वॉशरूम में लॉक हो चुके थे और उन्हें याद आता है कि सोंजे ने पहले से ही बात की थी कि वॉशरूम का लॉक खराब हो चुका है। अब उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्या करेंगे। अब इसके बाद वो कमोड के पानी को देख रहे होते और कह रहे होते कि नाना मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे मेरी आंखों में साबुन जा रहा है पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। 3-4 बार उस जगह को देख रहे होते और फिर फाइनली उसी पानी से अपना हेयर वॉश भी कर लेते हैं और बेचारे को अपने आप से काफी स्मेल आ रही थी और कहने लगते हैं कि अब मुझे बस सोंजे के आने का वेट करना होगा, जैसे सोंजे आएगा तो वो मुझे यहाँ से निकाल लेगा। पर उन्हें ख्याल आता है कि विंडो भी तो है, विंडो से खड़े होकर आवाजें लगाने लग जाते हैं पर यहाँ पर काम चल रहा होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा शोर होता है तो किसी को भी इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। यहाँ तक कि सोल की माँ भी इस आवाज से काफी परेशान होती, वो तो खाना खाते हुए भी उस पर फोकस नहीं कर पा रही होती और ये चीख चीख कर अपना गला जरूर खराब कर लेते और वापिस से बैठ गए थे सोंजे का वेट करने के लिए। और इधर सोंजे दिखा जाता है जो इन्हों की कार में बैठकर उसके साथ तो जा रहा होता
होता है, पर इन हॉक कार को बहुत ही ज्यादा स्लो चला रहा होता है। उसकी स्लो कार चलते देखकर सॉल कहने लगता है कि अगर तुम इसी स्पीड से कार को चलाते रहे तो हम पता नहीं फिर कभी पहुंचेंगे। तो वो कहने लगता है कि कोरिया की आवाम का बिल्कुल भी यकीन नहीं है, ये लोग स्पीड में कार चलाते और फिर किसी की कार में स्क्रैच भी दे देते हैं। तो मैं अपनी कार को खराब नहीं करना चाहता, अपनी सनी को भी गंदा नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि उनके पास से जो एक चीज गुजरी होती है वो भी इनसे तेज चल रही होती है। तो सोंजे कहता है कि अब इस चीज से तो तेज चला लो। वही नो कहता है कि जहाँ पर हमने पहुँचना था वहाँ पर तो हम पहुँच गए ना, ये तो वही लोकेशन है ना। अब ये बात सुनकर सॉल कहने लगते है कि यहाँ से रेड कलर की रूफ वाला कोई घर नजर आ रहा है। वैसे किम ताई कहता है कि वो तो निहोक है ना। अब उसकी बात सुनकर वो लोग भी उसी तरफ देखने लगते हैं और वो सच में निहोक होता है जो बीच पर होता है, जो बस पानी में चलता जा रहा होता है। तो ये देखकर फौरन से ये लोग कार लेकर वहाँ पे पहुँच जाते और जल्दी से निहोक की तरफ जाने लगते और उनके पीछे पीछे किम ताई भी अपनी कार को वहीं पर रोक कर उनके पीछे निहोक को बचाने के लिए जाने लगता है। पर उसे ये बिल्कुल भी होश नहीं होती कि उसने अपनी कार को ठीक से रोका भी नहीं था, उसकी कार खुद ही चलती जा रही थी उसके जाने के बाद भी और सीधी बस पानी की तरफ जा रही होती है। और ये तीनों निहोक की तरफ भाग रहे होते हैं। सोंजे किम ताई निहोक को पानी से पकड़कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं। निहोक कह रहा होता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। अब वो दोनों इसे डांटे लग जाते हैं कि जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई है, तुम इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं है। पर वो कहने लगता है कि मैंने किया क्या है। तो लोग कहते हैं कि तुम मरने वाले थे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपनी उस चीज को पकड़ने के लिए जा रहा था जो वो देखो पानी में चली गई है, क्योंकि मुझे वो काफी अच्छी लगती है। किम ताई उसकी बात सुनकर वहीं पर बैठ जाता है कि हम इसको बचाने के लिए जा रहे थे और हम तो उल्टा ही कुछ समझ रहे थे। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।